हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ श्वेता जमानी। जी हाँ, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि थोड़ा सच धज के मेकअप वेकअप करके मैं आपको कुछ गाइड करने आऊँ। बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं क्वारंटीन से कैसे बचा जाए, तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 1 से 9 नंबर के लोगों के लिए क्वारंटीन में स्मूथली गुजरने के कौन से तरीके हैं। स्टार्ट करते हैं 1 से ही, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है। नंबर 1 के लोग वो होते हैं जो 1, 10, 19 या 28 को पैदा होते हैं, या जो अगस्त यानी लियोज होते हैं। इनको रूल करता है सन। अब जब आपका रूलिंग प्लैनेट ही सन होगा तो आप कैसे होंगे? फायरी, गुस्सा, गरम। जब एक 1 नंबर के साथ आप रह रहे हो तो थोड़ी देर के लिए उनको बर्स्ट होने दीजिए, क्योंकि उनके अंदर इतनी एनर्जी है और वो निकलनी जरूरी है। लेट देम फील दैट यस, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, इट्स ओके। एनीवे, हम लोगों को एक दूसरे के साथ रहना है और कितने दिन पता नहीं। एक बार लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद भी वी ऑल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो अगर आप एक नंबर 1 के साथ रहते हो या अगर आप खुद नंबर 1 हो, तो ध्यान रखिए कि इस बार थोड़ा सा लाइट कलर्स पहनो, स्पेशली व्हाइट, येलो, ऑरेंज, ब्लू। इससे व्हाइट एंड ब्लू पहनने से आप सब नंबर्स को थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलेगा, थोड़ी शांति मिलती है। सो अगर आप ये डेट के हैं या आप लियो हैं, मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ हो रही है अगर घर में कोई आपकी नहीं सुनता है। लीडर होने की वजह से आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमने कह दिया बस वही होना चाहिए, लेकिन दूसरे नंबर्स की भी सोचा कीजिए। आपको भी सोचना है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। सो अगर आप नंबर 1 हैं और आप एक लीडर हैं, तो मेक श्योर कि आप पूरे घर के लिए अच्छे डिसीजंस लेते हैं। डोमिनेटिंग वाले, गुस्से वाले और जस्ट बिकॉज मैंने बोल दिया है वैसा मत कीजिए। थिंक ऑफ अदर्स ऑल्सो। सो एज आई टोल्ड यू, इन दिस क्वारंटीन यू विल बी लिटिल बिट स्लाइटली डोमिनेटिंग टू द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स, और उसके लिए उपाय है सुबह उठना, सूरज लेना। फॉर द नंबर 1 पीपल, 15-20 मिनट सूरज में बैठना। अभी बाहर तो सब लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके घर में सूरज भगवान आते हैं तो हाथ जोड़िए, नहीं आते हैं तो ईस्ट में देख के हाथ जोड़िए। 10-15 मिनट सूरज की रोशनी लेने की कोशिश कीजिए। बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए थोड़ा सा एग्जर्शन, कोई ना कोई काम में थक जाइए। अगर आप बैठे रहोगे तो एकदम गर्म दिमाग हो जाएगा आपका। सो मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग आउट और यू आर कुकिंग। नंबर 1 फायर होता है, आप नहीं होंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। सो मेक श्योर कि आप कहीं भी जाते हो तो रोशनी लाओ, वो आग मत लाओ जिससे इंसान जल जाए। आप तो जानते ही हो ना, फायर के दोनों काम हैं। आप ज्यादा करोगे तो जल जाओगे, कम करोगे तो बहुत रोशनी दे सकता है। खाना नहीं बनेगा फायर के बगैर, हमारे पेट में फायर होता है इसलिए खाना डाइजेस्ट होता है, लेकिन वो ज्यादा होगा तो भी नहीं। सो एवरीथिंग इज अबाउट बैलेंस या संतुलन। सो मेक श्योर ऑल नंबर 1 पीपल, कीप योरसेल्फ आल्सो काम लिटिल बिट। आई नो इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन यू कैन ओवरकम, यू आर अ लीडर। आपको खाली प्लान करना है कि जिंदगी कैसे कटेगी। अभी आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन में लग जाइए। नंबर 1 के लोगों को वैसे भी ना घर के छुटपुट में ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हो। इंदिरा गांधी, रतन टाटा, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अगर ये सब लोग छोटी छोटी बातें लेके बैठ जाएंगे तो बड़े काम कब करेंगे। सो स्टॉप पेइंग अटेंशन टू सिली थिंग्स अबाउट द हाउस एंड अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कैसे आप अपने आप को कल्टीवेट करोगे। ये क्वारंटीन में आप कौन से ऐसे बिजनेसेस के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग तो बहुत शार्प है, आपको आइडियाज बहुत अच्छी अच्छी हैं कि कैसे हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए। सो प्लीज यूज दोज आइडियाज, शेयर इट विद पीपल। एवरीबडी मे नॉट अप्रिशिएट आप क्या बोल रहे हो, लेकिन आप शेयर करो। रूबी आपका स्टोन होता है यानी माणिक, ये पहनने से आपको काफी कुछ फर्क पड़ेगा। आपके लकी नंबर्स हैं 1, 2, 6 एंड 7। 4 आपके लाइफ में काफी आता है, बट डोंट यूज इट एज वन ऑफ योर लकी नंबर्स। जो हो जाता है 4 को, इट्स ओके, अपने आप नेचुरल ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे लाइफ में भी 4 एंड 8 को होती हैं, बट डोंट गो एंड डू एनीथिंग इम्पोर्टेंट ऑन दीज डेट्स, पर्पसली मत कीजिए। अब बारी आती है 2 नंबर के लोगों की। जो लोग 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं किसी भी मंथ के, ये होते हैं नंबर 2। और जो लोग कैंसरियंस हैं उनको भी नंबर 2 रूल करता है। इनका मेन प्लैनेट होता है मून,
सो लाइक द मून दे आर इमोशनल सेंसिटिव एंड वेरी मूडी. तो ये क्वारंटीन में काफी कुछ इनको ध्यान देना पड़ेगा, अपने मूडीनेस का, अपने डिप्रेशन लेवल का. और अगर नहीं दिया आपने खास ध्यान और नेगेटिव थॉट्स सोचते रहे और जहां आपने थॉट्स को जाना है वहां जाने दिया, तो ये क्वारंटीन आप पे भारी पड़ सकता है. सो मेक श्योर यू आर डूइंग अ बिट ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, जो आपको पसंद है. वैसे थोड़े लेजी होते हैं नंबर टू, लेकिन जो पसंद है वो कीजिए. ड्रॉइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, कुकिंग, जो भी चीज में अपने आप को बिजी रखिए. यू लाइक टू बी बिजी, यू वॉन्ट टू बी बिजी. इफ यू आर नॉट, आपके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होगा. अपने थॉट्स पे कंट्रोल हम कर सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. योगा, मेडिटेशन तो आप जानते ही है नंबर टू के लोगों को करना ही चाहिए, लेकिन क्वारंटीन के दिनों में दे शुड कल्टिवेट अ हैबिट, अ हॉबी, अगर अभी तक आपकी नहीं है तो. जो आपको पसंद है वो करना शुरू कीजिए. बीइंग अ नंबर टू माई सेल्फ, मैं आजकल थोड़ा टिकटॉक, ये वो वीडियोस, कुछ कर रही हूँ. आई नेवर वेस्ट टाइम डूइंग नथिंग. कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना चाहिए, और वो चीज जो करते हुए हमें मजा आता है वो पहले जरूरी है हम सबके लिए. अगर कोई बात आप 10 बार करते हो, 7 बार हारते हो, लेकिन सिर्फ 3 जीत मिलती है आपको, इज दैट बैड? 3 टाइम्स यू आर हैप्पी. सो मेक श्योर टू डू थिंग्स विच गिव यू हैप्पीनेस. अगर आपके घर में 2 नंबर के लोग रहते हैं तो यू हैव टू नॉट इंटरफेयर टू मच. गिव देम योर गाइडेंस, मेक श्योर दे आर हैप्पी, क्योंकि 2 नंबर के लोग जब तक हैप्पी सराउंडिंग्स में नहीं रहते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है. नंबर 2 के लोगों के लिए अपने अंदर की खुशी को जागृत करने के लिए मेडिटेशन, योगा, कोई ना कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करनी चाहिए. लेकिन उनके बाहर रहने वालों को भी ध्यान देना चाहिए कि ये आदमी थोड़ा ज्यादा इमोशनल है, सो ज्यादा ड्रामा कम करें. मुझे पता है एक ही घर में रह के ड्रामा तो होते रहता है, लेकिन जो लोग नंबर 2 के साथ रहते हैं उन लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये थोड़े इमोशनल इंसान है. यू आर अ वेरी हेल्पफुल पर्सन. सोशल सर्विस आपको पसंद है, गरीबों की मदद आपको पसंद है. जो लोग डाउन ट्रॉडन है, जो ऑटिस्टिक है या ब्लाइंड है, या जिसको भी आपकी जरूरत है, वहां आपको जाना चाहिए. जितना हो सके आपको उनकी मदद करनी चाहिए. बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड नहीं होने की वजह से लोग आपका थोड़ा फायदा उठाते हैं, बट हाउ डज इट मैटर. लाइट कलर्स हमेशा पहनिए, खास करके व्हाइट, ब्लू, सिल्वर, लाइट ग्रीन, पेस्टल शेड्स, पीच एंड लाइट कलर्स आपको ज्यादा सूट करेंगे. यू विल फील हैप्पियर व्हेन यू आर वेयरिंग लाइट कलर्स, एंड डोंट वेयर रेड एंड ब्लैक. आपके लिए खास करके काला और लाल बिल्कुल अच्छा नहीं है. मून का एक्चुअल स्टोन होता है मोती. अब मोती एक ऐसा स्टोन है जो कहते हैं कि नंबर 2 के लोगों को और कैंसरियंस को पहनना चाहिए, लेकिन मैं 18 साल से न्यूमरोलॉजिक फेस टू फेस कंसल्टेशंस कर रही हूँ. आजकल तो खैर क्लाइंट लोगों से मीटिंग कब होगी पता नहीं. आजकल तो वीडियो कॉलिंग चल रही है, स्काइप कॉलिंग चल रही है, नॉर्मल कॉल्स चल रहे हैं. आई डोंट नो फॉर अ फ्यू मोर मंथ्स, इवन लॉकडाउन खुलने के बाद मुझे नहीं लगता है कि मैं अपना ऑफिस बहुत जल्दी खोलूंगी फॉर लाइव कंसल्टेशन. सो मैंने जितने भी लोगों से मिली हूँ, दे आर नॉट रियली वेरी हैप्पी विद मोती, जबकि ऑफिशियल स्टोन मोती है. और ये स्टोन अगर आपको मोती पहनना है, सो यू शुड कीप इट विद यू फॉर फ्यू डेज, सी हाउ योर एक्सपीरियंसेस, उसके हिसाब से आप पहन सकते हैं. एंड नॉट ओनली फॉर मोती, फॉर एवरी स्टोन वी नीड टू एक्सपीरियंस. अपने पास 10-15 दिन रखना है, उसके वाइब्रेशंस फील करने हैं, फिर आप वो जेमस्टोन पहन सकते हो. सम ऑफ द सेलिब्रिटीज बॉर्न ऑन नंबर 2 आर दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, राजेश खन्ना, माई फादर श्री बंसीलाल एम जुमानी एंड बेजान दारूवाला जी. ये सब का डेट ऑफ बर्थ नंबर 2 है. क्रिएटिविटी में अच्छे होते हैं, अकल साइंसेस में अच्छे होते हैं, एंड एज आई टोल्ड यू सम काइंड ऑफ टैलेंट, हॉबी, कोई ना कोई चीज आपके अंदर जरूर है, तो उसको बाहर लाइए. ये क्वारंटीन इज द राइट टाइम टू डू दैट. अब आता है नंबर 3. जी हाँ, जो लोग 3, 12, 21 या 30 को पैदा होते हैं और जो लोग पाइशीज एंड सैजिटेरियंस होते हैं, इनको रूल करता है जुपिटर यानी गुरु, यानी नंबर 3, द बिगेस्ट प्लैनेट. अगर आप नंबर 3 हैं तो अब तक तो आपने प्लान कर ही लिया होगा कि ग्रोसरीज का स्टोर तो जरूर खोलना चाहिए. एसेंशियल सर्विसेज आर द बेस्ट बिजनेस. अपार्ट फ्रॉम दैट, वो भी आप छोटा मोटा नहीं करेंगे, बड़ी तादाद पे करेंगे.
सो आई एम श्योर आप लोगों ने ऑर्डरी तरीका देख लिया है, सोच लिया है कैसे पैसे कमाने हैं। वेरी गुड एट मेकिंग मनी, वेरी हार्ड वर्किंग, और ये क्वारंटाइन आप यूज कर रहे हैं ऑलरेडी आई नो फॉर द बेस्ट। और जब तक आप अमीर लोग नहीं होंगे तो गरीबों का कौन करेगा। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सोनू सूद ऑल्सो इज बोर्न ऑन अ नंबर थ्री। जी हाँ, दानवीर तो ये होते ही हैं। सो नंबर थ्री पीपल लव टू डू फॉर अदर पीपल, एंड अगेन आई रिपीट कि जब तक आपका पेट भरा नहीं होगा आप दूसरों की कैसे मदद करोगे। सो इट इज गुड टू बी अ नंबर थ्री, बी आफ्टर मनी, एंड इन दिस क्वारंटीन यू आर हैविंग द बेस्ट टाइम इफ यू आर वर्किंग। अगर किसी वजह से मान लीजिए आप नंबर थ्री है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इस वक्त आपके साथ अच्छा नहीं बीत रहा है, आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी घर पे बैठे बैठे बिना कुछ किए। सो कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कीजिए। अब तो हमारे हाथ में, सबके हाथ में गूगल है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना है कि वैसे भी गूगल ने डिक्लेयर किया है 2021 तक कोई भी उनसे उनके ऑफिस में नहीं आएगा, सब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, आप क्यों नहीं, हम तो कर ही रहे हैं, आप भी कर सकते हो। सो फाइंड समथिंग टू डू, अदरवाइज यू विल हैव अ टफ टाइम। और जो लोग नंबर थ्री के साथ रह रहे हो, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि सुपर एम्बिशियस होने के वजह से इन लोग बेचैन रहते हैं। इन लोगों के दिमाग में हमेशा यही रहता है कि मेरे बच्चे और मैं कभी भूखे नहीं मरे, मैं इन लोगों के लिए इतना प्रोवाइड करूं। सो वो जो भी कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स के भी हित में कर रहे हैं, जबकि फैमिली मेंबर्स को समझ में नहीं आता है कि हमें इग्नोर करके आप क्या कर रहे हो। आप पूरा दिन काम में लगे रहते हो, सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक काम करते हो। यू डोंट केयर फॉर अस, ही केयर्स फॉर यू, दैट इज व्हाई ही वांट्स यू टू बी एट पीस। आपके को कोई फाइनेंशियल तकलीफ नहीं आए, ये उनका मेन लक्ष्य होता है। सो आपके लकी कलर्स हैं पर्पल, ब्लू, व्हाइट, येलो भी नंबर थ्री के लिए अच्छा होता है कलर। थोड़ा सा रेड आप यूज कर सकते हैं जो लोग 3, 6, 9 के ग्रुप में आते हो, बाकियों के लिए डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद रेड आल्सो। और आपके लिए तो खैर ब्लैक भी मना है। एमेथिस्ट एक बहुत अच्छा स्टोन है, यहाँ पीछे रखा हुआ है, छोटा भी आता है बड़ा भी आता है, रिंग फिंगर में भी आप पहन सकते हो। एमेथिस्ट नंबर थ्री के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं नंबर थ्री में, पाइशीज मंथ में इतने सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री के पैदा हुए हैं, लाइक आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, अलका याग्निक, शंकर महादेवन एंड सो आमिर खान, हाउ कैन आई फॉरगेट आमिर खान एंड रोहित शेट्टी, ये दोनों भी पाइशन है। सो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप अच्छा कर सकते हो, तो क्वारंटीन में कितना सारा एंटरटेनमेंट आप कर ही सकते हो, शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हो, कोई ना कोई चीज ऐसे आप बना ही सकते हो, और मार्केट तो हमेशा खुला ही रहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स समथिंग इफ यू हैव समथिंग टू सेल। आपके पास ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो बेचने लायक है, खरीदने वाले बहुत मिलेंगे आपको। रजनीकांत, करीना कपूर, आदित्य चोपड़ा, रानी मुखर्जी आर फ्यू ऑफ द नंबर थ्री पीपल। गोविंदा जी भी हैं और शरद पवार हैं, दे आर द नंबर थ्री पीपल। एंड देन हाउ कैन आई फॉरगेट वॉरेन बुफे, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। एंड कैसे भूल सकती हूँ मैं अपने भाई को, संजय बी जुमानी।